हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। जब हम बात करते हैं कहीं दूर की चीज़ को नज़दीक से देखने की या किसी छोटी चीज़ को बड़ा करके देखने की, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही डिवाइस का नाम आता है, वो नाम है दूरबीन, यानी कि बिनोकुलर्स। ऐसा माना जाता है कि दूरबीन से पहले ऐसा कोई भी डिवाइस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था जिससे कि किसी भी दूर की चीज़ को नज़दीक से देखा जा सके। तो आइए जानते हैं बिनोकुलर्स के इन्वेंशन के बारे में। मेरे साथ मैं हूँ विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टेड। टेलीस्कोप या दूरबीन एक ऐसा डिवाइस जो दूर की चीज़ों को पास दिखा सकता है, ये एक जादू से कम नहीं था जब इसका इन्वेंट किया गया था, और हैंस लिपर्सी को दूरबीन बनाने वाला पहला इंसान माना गया है। लेकिन हैंस लिपर्सी ने इसका आविष्कार प्री प्लान करके नहीं किया था, यानी कि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि मैं हैंस लिपर्सी बिनोकुलर्स का इन्वेंट करूँगा जो दूर की चीज़ों को नज़दीक दिखाएगा। लेकिन लिपर्सी एक चश्मा बनाने वाले थे जो कि जर्मनी में रहने वाले थे और बहुत ही बढ़िया किस्म के चश्मा बना लेते थे। इस वजह से उनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लेंसेस थे। लिपर्सी ने एक दिन कुछ लेंस को आसपास मिलाकर देखा तो उसने पाया कि जिस चीज़ को वो देख रहे हैं वो चीज़ 3 गुना पास आ गई थी, और इसी इंसिडेंट से बाद उन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। इस हिसाब से आजकल के डिजिटल वर्ल्ड में हम इंडियंस को भी कुछ ऐसा इन्वेंट करना चाहिए जिससे कि हमारे इंडिया को ग्रोथ करने में और डेवलप करने में कुछ फ़ायदेमंद साबित हो। इसके बाद हैंस लिपर्सी ने नीदरलैंड की सरकार के लिए दूरबीन बनाया जो कि दोनों आंखों पर लगाकर देख सकते थे, और सितंबर 1608 की 25 तारीख को हैंस लिपर्सी ने दूरबीन का पेटेंट अपने नाम करवा लिया। इसके बाद गैलीलियो ने भी इस दूरबीन के बारे में खबर सुनी जो किसी भी वस्तु को 3 गुना पास दिखा सकती है, तो उसने भी बिना लिपर्सी के दूरबीन को देखे बिना ही अपनी दूरबीन बनाने की सोची और बनाने लगा। लिपर्सी का दूरबीन किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ 3 गुना पास ही ला सकता था, लेकिन गैलीलियो ने उससे ज़्यादा लेंस का इस्तेमाल किया और एक ऐसा दूरबीन बनाया जो किसी ऑब्जेक्ट को 20 से 30 गुना पास ला सकता था। ये गैलीलियो तो लिपर्सी का भी पप्पा निकला। तो इस तरह दूरबीन को और बेहतर बनाया गया, और जैसे जैसे बिनोकुलर्स और अच्छा बनाया गया वैसे वैसे और बहुत सारी खोज की गई, और दूरबीन के आविष्कार के बाद सोलर सिस्टम के बारे में हमारा नज़रिया बिल्कुल बदल गया। हमें बहुत सारी चीज़ें सोलर सिस्टम के बारे में जानने को मिली, और हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने को ही मिला अलग अलग तरीके से। दूरबीन का आविष्कार एक छोटे से इंसिडेंट से हुआ था, लेकिन ये इतना बड़ा आविष्कार था कि आज के समय में भी दुनिया में कई जगह पर दूरबीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों, बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही कूल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन की वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट बने।